हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। अगर सन मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी जेमिनी यानी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ठीक आप पे ध्यान ना देते हो, ध्यान किस पे दें, एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो हो सकता है एनर्जीज मैच करें, हो सकता है एनर्जीज मैच ना करें। तो प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर जेमिनी मिथुन राशि अगस्त 2022। लेट्स सी जेमिनी टैरो आपके बारे में क्या कहता है। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका आउटकम है द एम्परर, एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। क्लैरिफाई मी द वर्ल्ड, द टावर, ओके, give me a clarification for queen of pentacles, queen of pentacles, king of swords, see the queen and the king। तो मैं जेमिनी एक चीज आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिस भी पार्टनर के कंसर्न में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ही इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ही और शी, एंड ही इज़ योर सोल मेट। वो ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एंड वही आपके सोलमेट हैं। देर आर थ्री मेजर आर्खानाज, द टावर, द वर्ल्ड एंड द एम्परर। एंड आप ये देखिए, द वर्ल्ड का जो क्लैरिफिकेशन है, दैट टू द मेजर आर्खाना, द टावर। सो मैं ये देख सकती हूँ कि पास्ट में आप कुछ बहुत ही बड़े चेंज से गुजरे हैं, बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक, आई डोंट नो क्या हुआ है आपकी लाइफ में, बिकॉज ये एक बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग है, डीप रीडिंग नहीं है, एंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ बहुत ही मेजर मैं देख सकती हूँ पास्ट में, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांजिशन से आप गुजरे हैं, कुछ बहुत ही मेजर आपकी लाइफ में हैपन हुआ है बिकॉज द वर्ल्ड एंड द टावर। एंड करेंटली भी मैं आपको देख सकती हूँ कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में, एंड आप ट्राई कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को बेटर करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट आपको उस हिसाब से कुछ रिजल्ट या आउटपुट मिलता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है इन प्रेजेंट सिचुएशन। एंड फ्यूचर में भी मैं देख सकती हूँ कि आप जो है अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे, एंड वो जो भी चीज़ आपके रास्ते में आएगी, आपका जो भी एक सेट गोल है, आपने अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस किया है, कुछ बहुत ही बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं, तो अब तो हासिल करना ही है। जो भी आपका गोल है, आपने जो भी अपना सेट गोल कर रखा है, उसके लिए आप मुझे जो है एफर्ट डालते हुए, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो भी चीज़ आपके रास्ते में आएगी, उसे बोलते ना कट इट डाउन, काटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि भाई अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ अपना खोया है इसके लिए। आपका आउटकम भी जो है वो द एम्परर है, मींस आप पावर में हैं, ठीक है ना, एंड आपने ठान लिया जो मुझे पाना है वो मुझे पाना है, जो मुझे चाहिए वो मुझे अब चाहिए, बिकॉज इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब जो मेरा सेट गोल है, मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है, अब मैं और देने के लिए तैयार नहीं हूं, अब मुझे लाइफ से लेना है, नहीं मिलेगा तो मैं छीन लूंगा। आपके लिए जो है मैं देख पा रही हूं टॉरस राशि जो है काफी निकल कर आ रही है, मींस लियो भी मैं देख पा रही हूं, एंड वर्गो जो है मुझे मिल रही है काफी, पर जो टॉरस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरे को नज़र आ रही है, कि जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो सकता है कि वो टॉरस राशि के हों या वृषभ राशि, उनके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। सो मैं, एंड आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो भी फाइव ऑफ सोल्स इन रिवर्स है, लाइफ में आप झेल रहे हैं, वो आप साइड बाय साइड झेल रहे हैं, पर आप किसी को दिखाएंगे नहीं। एंड मुझे इसमें पता नहीं क्यों आपके कोई फादर फिगर है, उसका काफ़ी बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। अब नॉट टेक इट एज इट रेजोनेट्स, मीन्स फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, या बिग ब्रदर हो सकते हैं आपके, मीन्स कोई फादर फिगर में है,
उनका जो है काफी बिग रोल मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। चलिए आइए अब देखते हैं हमारे एंजल्स आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई मिथुन राशि अगस्त 2022। वैसे तो जेमिनाई ये जो अगस्त मंथ है वो एयर साइन के लिए रिकंसिलेशन का टाइम पीरियड है। हमारा आया है इसमें कोडिपेंडेंसी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ एंड सी व्हाट आई वाज टेलिंग यू रिकंसिलिएशन। मैं आपको क्या बोल रही थी, अगस्त का जो टाइम पीरियड है, जो मंथ है, वो हमारे एयर साइन के लिए रिकंसिलिएशन का टाइम पीरियड है फॉर जेमिनाई एक्वेरियस एंड लिब्रा। एंड सी अ बॉटम ऑफ द डेक इज रिकंसिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सी, तो आपको मैं यही कहना चाह रही हूं कि जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलते रहने दीजिए। आपने अपनी पास्ट में जो होना था हो गया, अब आगे बढ़ना है लाइफ में। वो बोलते हैं ना, सेल्फ लव ट्राई कीजिए। जो आपको चाहिए वो अपने आप आपके पास भागा दौड़ा चला आएगा। बिकॉज जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करती है। जिस चीज़ को आप छोड़ देंगे वही चीज़ हमारे पीछे भागनी शुरू कर देती है। आइए देखते हैं मूनोलॉजी जेमिनाई आपके बारे में क्या कहती है। मूनोलॉजी फॉर जेमिनाई मिथुन राशि अगस्त 2022। फॉर श्योर आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है इन अगस्त मंथ जेमिनाई, ये मैं बोल सकती हूँ। मीन्स चांसेस हैं कि आपकी उनसे बात होगी एंड रिकन्सिलिएशन होने के भी मुझे काफ़ी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी, जिनके भी होते हैं मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कितनी ठीक थी। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये जो टाइम पीरियड है आपका हीलिंग का टाइम पीरियड चल रहा है एंड आपका बॉटम ऑफ द वर्ल्ड डेक है। शो द वर्ल्ड रियल यू। आप असलियत में क्या हैं आप ये दुनिया को दिखाएं। एंड सी फुल मून इन एक्वेरियस। जब हमारा फुल मून एक्वेरियस में होगा तब ये मुझे चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपका रिकन्सिलिएशन एंड ऑल। एंड सी आपका जो मूनोलॉजी भी आई है वो एक्वेरियस एयर साइन। सो आप सिंक्रोसिटी देख रहे हैं जेमिनाई, एंड ये आपके लिए एक हीलिंग का टाइम है। अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। ये जो पास्ट में हो गया है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की आपको ज़रूरत है। एंड देख लेते हैं हमारे एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर जेमिनाई मिथुन राशि अगस्त 2022। जेमिनाई मिथुन राशि, ओके, ये कार्ड अपने आप फॉल हुआ है। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। देखिए ये भी आपको हील बुक करने के लिए बोल रहा है कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी सोल होगी और यादें होंगी जो आपने अपनों के साथ बिताई हैं। तो अपने आप को हील कीजिए इन चीज़ों से एंड फिर देखिए चीज़ें कैसे ड्रास्टिकली वर्क करती हैं आपके लिए। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।